हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटरजॉन पे और मैं हूँ आपका साथी संजीव स्वामी। तो दोस्तों, इंडिया के अंदर ईवी गाड़ियाँ काफ़ी चलन में आ गई है, काफ़ी जो है ईवी गाड़ियों को लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे आती है टाटा मोटर्स की तरफ से आने वाली ईवी नेक्सॉन ईवी आती है। नेक्सॉन ईवी में प्राइम और मैक्स दो आती है। डिटेल में आप जो वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हो। टिगोर ईवी आती है, उसके अंदर काफ़ी सारे जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। टियागो ईवी भी अब आ गई, इसके अलावा और भी कई कंपनियों की जो है ईवी गाड़ियाँ आ रही है। तो दोस्तों, आज जो इस वीडियो में आपको बताने वाले ईवी गाड़ी को कैसे ड्राइव करते हैं, तो आप चलिए वीडियो स्टार्ट करें। क्योंकि इसके अंदर ईवी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कोई गियर वगैरह नहीं होता है, मोटर होती है। तो कैसे इसको ड्राइव करते हैं उसके बारे में बताता है। तो चलिए, और उसको सबसे पहले मैं एक बार और बता देता हूँ, उसको चार्ज कैसे करते हैं वो भी चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ उसको चार्जिंग कैसे करते हैं। सबके अंदर यही सिस्टम होता है, यहाँ से जो है आपको वो लगाई जाएगी जो चार्जिंग वाली पोर्ट है। ये देखिए, इसके अंदर जो है चार्जिंग वाली पोर्ट लगा के आप जो चार्ज कर लोगे। सारी गाड़ियों में सेम ही फंक्शंस आते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी की गाड़ी हो, चार्जिंग करने के लिए MG की और महिंद्रा की और काफ़ी जो है ईवी के अंदर गाड़ी है फ्यूचर के अंदर आने वाली। तो देखिए, अभी मैं आपको इसको ड्राइव करना बताता हूँ कि कैसे इसको जो है ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर जो है डायलर आते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी है। तो दोस्तों देखिए, फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी आती है तो इसको ड्राइव कैसे कहते हैं उसके बारे में जो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है इसके अंदर, एक बार देना सर मुझे इसके अंदर। देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ, नीचे देख रहे हो आप, क्लच नहीं है, ये ब्रेक और क्लच का दोनों का काम करता है। और ये इधर जो है एक्सीलेटर आपको जो है देखने को मिल जाता है। तो होता क्या है, जब भी हमें गाड़ी ड्राइव करनी होती है ना, तो स्टार्ट करने के लिए आपको जो है पुश स्टार्ट बटन आता है, इसको जो है आपको पुश प्रेस करके फुल्ली तब इसको स्टार्ट करोगे तभी होगा। अदरवाइज जैसे मैं अभी बंद कर देता हूँ, अभी मैं इसको बंद कर दिया, देख रहे हो आप, मैंने स्टार्ट की नहीं हुई, स्टार्ट नहीं हुई ना। और अब देखना, अब मैं इसको फुल पूरा प्रेस करूँगा, स्टार्ट करूँगा, तभी ये जो है इलेक्ट्रिकल गाड़ी जो है ये स्टार्ट होती है, क्योंकि क्लच ब्रेक दोनों के अंदर यही चीज़ काम करती है आपकी। और इसके बाद में जैसे इसके ऊपर चेंज करने हैं, तो क्लच का काम है वो गियर चेंज के साथ में होता है। डायलर आता है सब में, लगभग डायलर आता है, कुछ में अगर वो ऐसे वाला आ जाए लुक के लिए, बट वो भी आपका जो है ऐसे ही होता है अगर दूसरी कंपनी की बात करें। बट टाटा के अंदर सबके अंदर डायलर आता है, बहुत ही इफेक्टिव जो है चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर। यहाँ पे देख रहे हो आप, न्यूट्रल लिखा होता है, डी और आर आपको आसपास में देखने को मिल जाता है। रेंज वगैरह आपको इधर बता देता है, ऊपर कितने परसेंट बैटरी बची है, और देखिए, और इधर जो है आपको कितने किलोमीटर चलने हैं, कितनी देर में एम्प्टी होगी, सर्विस और ड्यू वगैरह वो सारी चीज़ें बता देते हैं। इधर जो है आपको जो स्पीडोमीटर होता है, नीचे रीजनरेशन का लेवल होता है। तो देखिए, जैसे ड्राइव करना है मुझे, अब मैं अगर इसको ऐसे कर दूंगा ना, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, मैंने घुमा दिया। और अब मैं अगर इसको प्रेस करके करूंगा, देखिए ऐसे किया, रिवर्स लगा गया क्योंकि इधर घुमाया मैंने, इसको हमें ड्राइव करना है तो इधर मैंने किया, और ये देखो ड्राइव हो गया, न्यूट्रल हुआ, मैंने प्रेस कर रखा है ब्रेक, और ये ड्राइव कर रिवर्स हो गया। रिवर्स के अंदर कैमरा भी देख लो आप, कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, विद लाइनिंग जो है आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। मैंने इसको किया, फिर देखिए न्यूट्रल पे आ गया, अब मैंने इसको ड्राइव मोड पे किया। जैसे मैंने ड्राइव मोड पे कर दिया, इसको हैंड ब्रेक को हम नीचे करेंगे, हैंड ब्रेक नीचे कर लिया, अब मैं इसको देखिए कि मैंने अभी तक रेस नहीं दिया, इसको बोलते हैं क्रीपिंग मोड। और ये देख लो आप, आराम से चल रही है गाड़ी 10 की स्पीड के आसपास। अब मैं इसके अंदर जो है रेस प्रेस करता हूँ, और जैसे ही मैं रेस प्रेस करूँगा, एक्सीलेटर प्रेस करेंगे, ये आराम से बढ़िया तरीके से गाड़ी चलने लग जाएगी। तो आराम से जो आपकी देखिए गाड़ी ड्राइव होने लगी जैसे ही मैं एक्सीलेटर प्रेस करूँगा। और अगर आपको गाड़ी को रोकना है तो आप चलते हुए अगर इधर डायलर को घुमा दोगे तो भी नहीं रुकेगी, आपको जो है ब्रेक प्रेस करके ही आपको जो है इसको डायलर को घुमाना ही पड़ेगा, तभी होगी। और अगर आपको स्पोर्ट्स मोड में भी डालना है ना, तो भी आप जो है डायलर को घुमा के ही स्पोर्ट्स मोड में डालोगे तभी जो है आपकी गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में जाएगी। देखिए ये देख लो आप, चल रही है आराम से गाड़ी, कोई कुछ नहीं करना आपको न्यूट्रल के अंदर। आपको जो है हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई गियर वगैरह चेंज नहीं करने होते, ऑटोमेटिक के अंदर सारे चीज़ें ऑटोमेटिक होती है, फुल्ली पावर आपको जो है डिलीवर कर जाती है। इलेक्ट्रिकल गाड़ी की यही खासियत होती है कि इंस्टेंट जो है आपको पावर देती है पूरी की पूरी एक साथ, ऐसा नहीं कि आप पहले गियर में डालोगे, उसमें क्या होता है आईसी इंजन वालों में गियर के अंदर वो ट्रांसमिशन हो जाता है, धीरे धीरे पावर को डिवाइड कर जाता है, इसके अंदर नहीं करते। तो अभी देखिए आपको ये आ गया ना, ऐसे आप जो है आराम से इलेक्ट्रिकल गाड़ी को चला सकते हैं, कोई कुछ नहीं करना, और सिटी के लिए बहुत ही कम्फर्टेबल चीज़ है। चार्जिंग का आप ध्यान रखो घर से निकलने से पहले, अदरवाइज आपको जो है कोई दिक्कत वगैरह नहीं। ये जो है रीजनरेशन का होता है कि आपकी बैटरी
कितनी चार्ज हो रही है। तो अभी इसको जो है देखिए रिवर्स भी आपको करके दिखाते हैं। रिवर्स करना हो तो कैसे करोगे, जैसे अभी चल रही है गाड़ी, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, ब्रेक दबा के घुमाया तब ये हुआ। और अगर अब मैं इसको देखिए, अब मुझे रिवर्स करना है तो मैं इसको इधर करूँगा, ब्रेक दबा के करना होगा, नहीं तो गाड़ी खड़ी है, मैंने इसे कर दिया, कुछ नहीं इफेक्ट हुआ, टूंग कर गया। और अब जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया, इधर करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए ये हो गया ना, तो इससे जो है ये कैमरे की क्वालिटी भी आप देख सकते हो, आराम से बढ़िया कैमरे की क्वालिटी आती है। रिवर्स जो है आप कर सकते हो, और ऐसे ही इसको इधर करो, आ गया, ड्राइव किया, ड्राइव हो गया। अगर किसी को स्पोर्ट्स मोड लगाना है जिसमें टायर स्पिन होते हैं, देख लो, ओ भाई साहब क्या इंस्टेंट पावर जो है फुल्ली पावर डिलीवर करता है, बैटरी जो है ड्रेन बहुत जल्दी हो जाती है स्पोर्ट्स मोड के अंदर, बस चलाने का मज़ा आता था वास्तव में स्पोर्ट्स मोड में क्या चीज़ चलती है। तो ऐसे करके जो दोस्तों आप जो है वो कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो कि कैसे आप जो है इलेक्ट्रिकल गाड़ी को चलाते हो। इसके अंदर रिफ्लेक्शन ज़रूर आपको जो है आपको देखने को मिल जाएगा सामने की तरफ से, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, हम धूप में खड़े हैं। तो ये है, तो ये था दोस्तों छोटा सा वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल गाड़ी को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। इससे आप जो है ये भी रेफरेंस ले सकते हो कि जो ऑटोमेटिक गाड़ी है उसको कैसे ड्राइव कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।